हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे डेकार्ज में। तुम्हें फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला कुछ जामे की हिंदी डबिंग से रिलेटेड, जिससे संबंधित मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये कब तक हमें हिंदी में देखने मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं वही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि इसको लेकर के क्या चल रहा है और ये आपको कब तक देखने को मिल सकती। तो पहला ड्रामा जिससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। तो आपको बता दूं कि इसकी जो राइट्स है वो एमएक्स प्लेयर के पास है और ये जो है आपको हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी चल क्या रहा है, तो फाइनली इसकी जो है स्क्रिप्टिंग वगैरह जो है कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो हिंदी की स्क्रिप्टिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले कुछ मंथ्स में ये जो है आपको डबिंग प्रोसेस में जाएगी, उसके बाद ही आपको ये हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो मतलब ये सवाल आता है कि ये कब तक देखने मिल सकता है, तो मे भी हो सकता है ये फरवरी से मार्च और कुछ प्रॉब्लम आई तो ये अप्रैल तक भी आपको देखने को मिल सकती है। सारी चीजें समय पे हो जाती है तो आपको पहले भी देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत लेट ये देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा ड्रामा है जिससे रिलेटेड कमेंट आती रहती है, जिसका नाम है माय आईडी इज गंगनम ब्यूटी। तो फाइनली आपको बता दूं, इसकी जो डबिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसकी डबिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आपको डेफिनेटली फरवरी से मार्च तक देखने मिल जाएगी। तो अगला ड्रामा जो कि ये कोरियन ड्रामा है, जो आपको हिंदी डब लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलने वाली, जिसका नाम है क्रेजी लव। इसे रिलेटेड मैंने बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये ड्रामा आपको देखने को मिलने वाली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, लेकिन ये अभी तक नहीं आई। तो आपको बता दूं कि इसकी जो डबिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर ये ड्रामा आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये कब देखने को मिली, इसका डेट वगैरह कुछ अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आगे निकल के आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब जो अगला ड्रामा है जिसको देखने के लिए हर कोई वेट कर रहा है, यानी कि जो चाइनीज ड्रामे लवर है वो डेफिनेटली इसको देखना चाह रहे हैं और इसके लिए वेट कर रहे हैं, जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2। अब इसके बारे में भी हर किसी को पता है कि एमएक्स प्लेयर पे हिंदी डबिंग में आने वाली है और ये कब आने वाली है और इसको लेकर के अभी क्या चल रहा है। तो बता दूं कि इसकी जो स्क्रिप्टिंग, यानी कि जो हिंदी डबिंग की जो स्क्रिप्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके डबिंग के ऊपर काम किया जाएगा। तो जब डबिंग होगी तो इसके डबिंग में कम से कम 1-2 महीने का टाइम लगेगा, तो आपको ये मार्च तक देखने मिल सकती है। हर एक चीज़ सही रही तो आपको डेफिनेटली ये मार्च में देखने को मिलेगी या फिर आपको आगे भी देखने मिल सकती है। सो आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी इन सभी ड्रामे से रिलेटेड और आपको पता चल चुका होगा कि ये ड्रामे कब तक देखने को मिलेगी और क्या सारी चीजें इनसे रिलेटेड, मतलब इन पे चल रही है। सो अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई किसी भी ड्रामे से रिलेटेड आप जानना चाहती हो, वो ड्रामा आपको हिंदी में देखने मिलेगी या नहीं मिलेगी और ये उस ड्रामे से रिलेटेड क्या चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैंने ग्रुप बनाया, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर वो ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप अपनी सवाल पूछ सकते हो। इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को पहली दफा आया तो। और मैं मिलता हूँ इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।